नमस्कार, मैं अंकित कुमार और आप देख रहे हैं बीटी न्यूज़ बिहार। अभी हम आए हुए हैं बड़ियारपुर में। बड़ियारपुर पश्चिमी इसका नाम है और किसान विद्यालय है। और यहाँ पे 24 कुंडलीय गायत्री महायज्ञ का कुछ मीटिंग चल रहा है। ये लगा कि इससे पहले भी हमारा वीडियो आप देखे होंगे। और आज जो है जिला से कोई आए हुए हैं और वो क्या है नहीं है उनसे हम पूछ के आपको बताते हैं। जी हम बीटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। नमस्ते, धन्यवाद। आप अभी यहाँ पे क्यों आए हैं और कहाँ से, अपना इंट्रोडक्शन पहले दीजिए। जी, हम लोग प्रज्ञा युवा प्रकोष्ठ बेगूसराय से हैं और बाबू जी हम लोग को कॉल किए थे कि यहाँ 24 कुंडी है गायत्री महायज्ञ होने जा रहा है जिसमें स्टूडेंट विद्यार्थी लोग जुटे और उसमें क्या कहते हैं कि समय देकर इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। इसी के लिए हम लोग बुलाया गया था कि आप लोग आएँ, थोड़ा बहुत उनको मार्गदर्शन दीजिए और बताइए कि हम लोग कैसे कार्यक्रम सफल हों। यहाँ पे मतलब किस चीज़ का मीटिंग किया कि आदमी को क्या समझाएं आप लोग? हाँ, हम लोग ये बताए थे कि देखिए अभी का जो समय है वो स्वार्थ का समय है और इसमें हम भगवान के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। तो हम लोग ये बताए उनको कि देखिए भगवान का काम करने से कभी घटा नहीं हुए हैं, हुआ है। और चूँकि परम पुरुष गुरुदेव वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा जी ने आश्वासन दिया है कि बेटा तुम मेरा काम करो और मैं तुम्हारा काम करूँगा, जिसमें उन्होंने बताया है कि अगर एक घंटा आप समय देते हैं तो वो मान लीजिए क्या कहते हैं कि उनका 1000 गुना आपको रिटर्न करता है। अगर आप उनके काम में समय देते हैं तो आपके अंदर वो क्वालिटी डेवलप होता है जिससे आप जो अपना सेल्फ का काम है जैसे पढ़ाई का है वो आपका कैपेसिटी बढ़ने लगता है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं उसमें आपका आउटपुट मिलने लगता है। तो यही हम भाइयों से डिस्कस किए कि भैया आप लोग थोड़ा सा समय निकालिए और जिन लोगों ने भगवान के काम में समय दिया वो कभी घाटे में नहीं रहे। चूँकि इसके एग्जाम्पल में स्वामी विवेकानंद हैं, भगत सिंह हैं, जिन्होंने समाज में अपने समय को लगाए और उनका आउटपुट ये हुआ कि हम उनको आज महापुरुष मानते हैं, समय को आज नई दिशा दिए। तो यही सब बातें हम भाइयों से डिस्कस किए। एक बात आप हमको बताइए, जैसे आज से कुछ साल पहले चल जाइए तो वहाँ उस समय जो सनातन धर्म में माना जाता तथा भगवान के प्रति समर्पण ज़्यादा था, अभी आप उसके बारे में कुछ कहिएगा अभी के समय का। देखिए है क्या कि पिछले समय जो सनातन धर्म था उस समय में बहुत सारे चीज़ था जैसे लंबी साधनाएँ थी। अगर आपको मान लीजिए क्या कहते हैं अमेरिका में कुछ हो रहा है अगर उसको देखना था तो उसके लिए आपको मान लीजिए बहुत सारे साधनाएँ करनी पड़ती थी। तो कुछ समय के लिए ये क्या गया कि जो अध्यात्म का चीज़ था उसको डीप कर दिया, बंद थोड़ा सा क्लोज कर दिया। इसलिए कि जो पदार्थ विज्ञान डेवलप हुआ, आप शायद महाभारत का घटना सुने होंगे कि उस समय अगर संजय धृतराष्ट्र को क्या कहते हैं कि वहाँ का युद्ध देखना था तो वेद व्यास जी को संजय को दिव्य दृष्टि देना पड़ जो कि वो लंबे साधना के बाद वो देख पाते थे जिसके कारण आज वो अध्यात्म को थोड़ा सा दबा दिया गया जिसके कारण मान लीजिए क्या कहते हैं कि पदार्थ विज्ञान इतना डेवलप कर पाया। अगर आपको हम मान लीजिए अभी क्या कहते हैं इंग्लैंड में मैच हो रहा है तो हज़ारों आदमी घर में बैठ करके देख सकते थे। तो उस चीज़ को जब विज्ञान डेवलप किया है तो हम लोग क्या समझे कि सब कुछ यही चीज़ है जो हम देख रहे हैं वही है। लेकिन इसके पीछे का जो चीज़ है जैसे अगर शरीर है तो शरीर में मान लीजिए प्राण है, इसको हम लोग भूल गए और सब कुछ हम लोग शरीर को ही मानने लगे। तो इसके लिए मान लीजिए हम लोग ये कहेंगे कि जैसे वो चीज़ जो था अब धीरे धीरे विकसित हो रहा है, जैसे यज्ञ के माध्यम से बहुत सारे यहाँ संस्कार कराए जाते हैं। हम लोग पश्चिम को चीज़ को मानते हैं जैसे क्या कहते हैं कि केक काटना हुआ, क्या कहते हैं कि जो दीपक बुझाना हुआ, लेकिन हम लोग यहाँ उगते हुए सूर्य का पूजा करते हैं जो हमारे जीवन में उज्ज्वल आए। तो ये धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, जो पीछे की संस्कृति था वो धीरे धीरे यज्ञ के माध्यम से गायत्री के माध्यम से ये सब चीज़ उजागर हो रहा है। आपसे एक बात, जिस हिसाब से हम पढ़े हैं और महर्षि अरविंद इस चीज़ को भविष्यवाणी किए हैं कि साहब 2026 के बाद भारत का जो मूल अध्यात्म है वो दुनिया के सामने आने वाला है। और आप अभी देख रहे होंगे कि कोरोना काल आया तो उसमें मान लीजिए बहुत सारे चीज़ बंद भी हुए हैं और उस चीज़ में 2-3 चीज़ निकल के आए। हम लोग जो आयुर्वेद को नहीं मानते थे वो क्या कहते हैं उनको हम मानने लगे, योग को नहीं मानते थे उसको मानने लगे और एम्स जैसे इंस्टीट्यूट ये प्रूव किया है कि अगर 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम अगर हम गायत्री मंत्र करते हैं उससे हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ता है। तो हमारे हिसाब से ऐसा नहीं लगता है क्योंकि अब तो भारत क्या कहते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भी अपने इस पुस्तक में क्या कहते हैं मेरे सपनों के भारत में इस चीज़ को डिस्कस किए हैं कि 21वीं सदी जो है वो भारत का है और भारत मान लीजिए दुनिया का लीडरशिप करेगा विज्ञान के दम पर नहीं, चूँकि अमेरिका जापान टेक्नोलॉजी में हम लोग से बहुत आगे हैं, ये अध्यात्म के दम पर है। और ये जो जितने भी चीज़ हम लोग का दबा हुआ है वो फिर से हम लोग के सामने आने वाला है। आप इस चीज़ को भविष्य में देखिएगा, विलुप्त नहीं होगा, जो विलुप्त हुआ चीज़ है वो आगे आ रहा है। जी जी अपना नाम बता दीजिए। जी मेरा नाम मनीष कुमार है और हम लोग
बेगूसराय शक्तिपीठ पर प्रत्येक रविवार को सुबह 8 से 10 स्टूडेंट के लिए मोटिवेशनल सेमिनार चलाते हैं, जिसमें स्टूडेंट की जो भी समस्या है कि पढ़ाई में मन नहीं लगता है, टेंशन में नहीं रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, इन सब चीज़ों के लिए हम लोग वहाँ प्रत्येक रविवार को कार्यक्रम करते हैं। ये आपने अभी देख रहा था, हमने मनीष कुमार जी से बात किया और इन्होंने अपनी भावनाओं को बताया। और भी कोई व्यक्ति हैं, इनसे हम बात करके आपको बताते हैं जी। अपना नाम बताइए और इंडिया। सर मेरा नाम प्रशांत कौशल, मैं बेगूसराय से प्रज्ञा युवा प्रकोष्ठ के माध्यम से मैं यहाँ आमंत्रित किया गया था, जो आप लोग यहाँ आए युवाओं का मार्गदर्शन कीजिए। यहाँ एक 24 कुंडिया गायत्री यज्ञ होने जा रहा है, जिसमें कि युवाओं की सहभागिता क्या होती है। सहभागिता का कहने का अर्थ यह है कि युवा बढ़ चढ़ के हिस्सा कैसे लें, ठीक है, उसके माध्यम से हम लोग यहाँ उनको बताने आए, जो युवा शक्ति कैसे आगे सशक्तिकरण के प्रति आगे बढ़ पाएँ, कुछ ऐसे होते हैं जिसमें कि युवा उससे भागना चाहते हैं, दूर भागते हैं। मेरे आध्यात्मिक कार्य में अगर जुड़ेंगे, लोग मुझे पंडित बूढ़ा कह के बुलाएंगे, कि पंडित मतलब लोगों को पंडित दिमाग में ऐसा आता है कि पंडित शब्द का नाम सुन करके वो बुढ़ापे के द्रव्यान आगे बढ़ने लगते हैं। तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ, जो पंडित अध्यात्म से नहीं जुड़ते, पंडित कहने का मतलब यह जो डिफरेंट काइंड ऑफ डिफरेंट मैटर होता है, क्योंकि अगर आप अध्यात्म से जुड़ते हैं तो अपनी ज़िंदगी में हर एक मुकाम हासिल कर पाते जो कि आपको चाहिए, और भगवान के कार्य में आप किस प्रकार सहभागिता अपना दे पाते हैं, जो जहाँ पे मतलब ज़रूरत आपकी होती है। युवाओं को इसलिए उसमें सम्मिलित किया जाता है क्योंकि जो लोग एज से थोड़े बूढ़े हो चुके हैं, फिजिकली उतना वर्क नहीं कर पाते हैं, युवा हर एक चीज़ में फिट होता है, मेंटली फिट होता है और फिजिकली भी फिट होता है। जो कार्य वो नहीं कर सकते, मान लीजिए मुझे पुल के ऊपर चढ़ना है तो हम बूढ़े लोगों को नहीं चढ़ा सकते, तो युवाओं को चढ़ा सकते हैं। उसी प्रकार यज्ञ में उस लोगों को, युवाओं को मोटिवेट करने के लिए उसके प्रति अग्रसर बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। एक बात आप हमको बताइए, आप ये गायत्री परिवार में जब जुटे, कितना वर्ष के थे जो जुटे थे, कितना ईयर था? एक्चुअली मैं पैदा माँ गायत्री के गोद में पैदा हुआ हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी बचपन से जुड़े हुए गायत्री परिवार से जुड़े हुए हैं, वो परम पूज्य गुरुदेव से दीक्षा लिए हुए हैं, और मेरी ये बहुत बड़ी सौभाग्यता है जो मैं गायत्री परिवार के एक तरह से खानदान में पैदा हुआ, जिसकी वजह से मेरे अंदर ये संस्कार पैदा हुआ, और बचपन से मैं यज्ञ और ये हिंदू धर्म या जो कुछ भी हो इस सब के प्रति मैं बहुत ही आध्यात्मिक वातावरण में रहता हूँ हमेशा से। और मैं उससे चाहता हूँ जो और भी युवा जो इस चीज़ों से भटके हुए हैं, जिसकी वजह से डिप्रेशन होते हैं और हर एक चीज़ अचीव करने के बाद भी सुसाइड कर लेते हैं, वो इस चीज़ अध्यात्म से जुड़े, मैं गारंटी देता हूँ ज़िंदगी में कभी सुसाइड नहीं करेंगे, असफल नहीं होंगे। और एक बात आप हमको बताइए, जिससे उसके बाद प्रशांत जी से सुना, लोग बेगूसराय से आए हुए थे, आप जस्ट मेरे बगल में देख रहे होंगे यहाँ पे अभी मीटिंग चल रहा है, और कितना युवा है यहाँ पे वो भी आपको हम दिखा रहे हैं यहाँ। फिर इससे पहले हम आपको वीडियो दिखाए थे, देखने के लिए हमारे साथ बने रहे।